वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की। जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि मेरे वीडियो के माध्यम से पूरे भारत से के विभिन्न राज्यों से जो भी हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर हो, मलेरिया इंस्पेक्टर हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, हेल्थ एजुकेटर हो, इससे रिलेटेड जो भी वैकेंसी आ रही है उसको लगातार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। साथ ही साथ जो है पर डे जो है आपको एक क्विज कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, जो ऑप्शन के माध्यम से चार ऑप्शन आपको रखा जा रहा है। आप जो कम्युनिटी टैब मेरा खोलिएगा, कम्युनिटी टैब में आप देख सकते हैं कि पर डे जो है क्विज चल रहा है, और क्विज में जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, जैसे हेल्थ इंस्पेक्टर हो गया, सेंट्रल इंस्पेक्टर, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर, इससे रिलेटेड जो भी आपका है, सैनिटाइजेशन से रिलेटेड जो भी ये जानकारी है उसके माध्यम से, मतलब आपको जो है क्विज के माध्यम से आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप क्विज कंपटीशन में भाग लीजिए, अपने रिस्पॉन्स को देखिए। बहुत से कैंडिडेट जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। कम से कम वैकेंसी के साथ साथ हमारे पास नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि वैकेंसी तो बहुत आ जाएगी, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आपके अगर एक करोड़ सीट भी निकल जाए तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये जान लीजिए। तो निश्चित रूप से एक सीट पर भी आपका सिलेक्शन 100% है उसी बंदे का है जिसका तैयारी ज़बरदस्त है। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि केवल वैकेंसी का ही देखना है, ठीक है। साथ ही साथ वैकेंसी के साथ साथ जो है आपको अपना नॉलेज को भी बढ़ाना है, ठीक है। नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्विज कंपटीशन में भाग लेना होगा, ठीक है, वहाँ पर अपने रिस्पॉन्स को देना होगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, और जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो अभी वैकेंसी आई हुई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत, ठीक है। और इसमें जो है फॉर्म अप्लाई करने का डेट जो है वो 17 अप्रैल 2020 तक है। 17 अप्रैल 2020 तक जो है आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अगर हम लोग वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट दे रहा है www. थोड़ा सा जूम भी कर दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, स्क्रीन पर देखिए www.hssc.government.in से जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप इससे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, मतलब किस टाइप का पोस्ट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको हम लोग आज देखते हैं कि किस टाइप का पोस्ट हम लोग अप्लाई करें। तो चलिए इसको हम देखते हैं, अब डायरेक्ट हम चलते हैं अपने पोस्ट की ओर कि किस पोस्ट को हम लोग अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर तो बहुत तरह का पोस्ट है, लेकिन हम लोग अपने जॉब से रिलेटेड जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, और ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, बहुत से कैंडिडेट जो है जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी कोर्स किए हैं, कोई से बहुत से जो हैं वो बीएससी नर्सिंग भी किए हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग का। तो सारे जो कैंडिडेट हैं उस टाइप का, उसके अनुसार हम लोग को इस पोस्ट में देखना है कि कहाँ कौन पोस्ट है, हम लोग किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। जो हम लोग का पोस्ट है उससे रिलेटेड हम किसको डालें, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, धीरे धीरे अपने पोस्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। और पोस्ट तो बहुत तरह का है, 29 पेज का ये एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन हम लोग को जो पोस्ट अप्लाई करना है उस पोस्ट की ओर हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। लगातार आप स्क्रीन पर देखिए, तो यहाँ से हम लोग का पोस्ट का हो गया शुरुआत, 32 पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है, 32 पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर। आप जैसे कैटेगरी नंबर थोड़ा सा जूम इसको कर दे रहे हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कैटेगरी नंबर 25, 32 पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है, 32 पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें अगर कैटेगरी वाइज सीट को डिटेल्स किया गया है, जनरल का 15 है, एससी का 16 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है, बाकी अदर कैंडिडेट जो है बैकवर्ड क्लास जो भी है उसके लिए टोटल करके 32 सीट है इसमें, ठीक है।
आप पे लेवल 6 है और एज का बात करता है कि एज जो है कितने साल के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर मिनिमम जो है 18 साल के कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है आपका 42 साल के कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत एज दे दिया, ठीक है, मिनिमम वालों को भी दे दिया मौका, जो कम से कम एज वाले जो 18 का शुरुआत होता है वहाँ से, और मैक्सिमम में आपका 42 साल वाले लोग का, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। और इसमें अगर क्वालिफिकेशन देखिए, ये इस पर लड़ाई है, ठीक है, लड़ाई ये है कि जैसे कि आप राजस्थान में देख रहे होंगे तो राजस्थान का जो है सेंट्री इंस्पेक्टर को हटाकर सिंपल ग्रेजुएशन कर दिया है, तो निश्चित रूप से अब यहाँ पर कहना मुश्किल है कि ये इंस्पेक्टर सेंट्री इंस्पेक्टर के तौर पर ले रहा है कि किस टाइप का इंस्पेक्टर ले रहा है। लेकिन अगर इसका हम लोग क्वालिफिकेशन का बात किया जाए कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये जो बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्रेजुएशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और हैविंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, मतलब आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ जो है हिंदी या संस्कृत जो है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर, मतलब आपका जो है मैट्रिक में चाहे उससे हायर जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उसको हिंदी या संस्कृत में से एक भाषा से आप पढ़ाई किए हैं, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, हिंदी होना चाहिए या संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। और प्रिफ्रेंस विल बी गिवन टू ए ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और एग्रीकल्चर और होल्डिंग हायर डिप्लोमा इन कॉपरेशन जूनियर पर्सनल डिप्लोमा इन कॉपरेशन, तो ठीक है, इस टाइप का प्रिफ्रेंस तो कह रहा है, लेकिन निश्चित रूप से इंस्पेक्टर का पोस्ट है तो इसको हम लोग को अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो कैंडिडेट अगर इच्छुक हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पोस्ट है उसके बारे में मैं जिक्र करता हूँ, तो आप अभी जानकारी ले रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत इंस्पेक्टर का जो बहाली निकला हुआ है उसके बारे में, और इस फॉर्म को अप्लाई करने का डेट जो है 17 अप्रैल 2020 तक है, 17 अप्रैल 2020 तक जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग चलें कि और हम लोग का जो महत्वपूर्ण पोस्ट क्या है, तो महत्वपूर्ण पोस्ट की ओर हम सीधे चलते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है और इसका सही से यूज व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण पोस्ट में यहाँ पर है फार्मासिस्ट का है। अगर कैंडिडेट जो हैं, निश्चित रूप से अगर मेरे चैनल पर अगर वैसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फार्मासिस्ट किया हुआ है, तो उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत आया हुआ है, जिसको आप लेना चाहिए, आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। जो फार्मासिस्ट अगर कैंडिडेट कोई अगर सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, तो इसको ये जानकारी होना चाहिए कि किस टाइप का ये पोस्ट है। तो इसमें जो है 25 पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है, 25 पोस्ट निकला हुआ फार्मासिस्ट का। आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार इसको वेबसाइट पर जाके देखिएगा और इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और ताजुब की बात ये होती है कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो एज का बात कह रहा है कि फार्मासिस्ट का जो है मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 17 साल होना चाहिए। मतलब ये तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कितना कम एज क्यों दिया है भाई, 17 साल मतलब होना चाहिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज जो वही है 42 साल, मतलब 17 साल आपका होना चाहिए। और इसमें जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही मांग रहा है कि 10+2 विद साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, फार्मासिस्ट कोर्स डिप्लोमा फ्रॉम ए मेडिकल कॉलेज रोहतक और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट विद ट्रेनिंग इंजेक्शन ड्रेसिंग एंड वर्क वार्ड वर्क इन ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, ठीक है, और रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट विद द हरियाणा फार्मेसी काउंसिल अंडर सेक्शन 31A और 31C और 32A ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 एज एप्लीकेबल टू हरियाणा स्टेट। और क्या कहता है कि हिंदी या संस्कृत जो है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक्स और हायर, इसमें भी जो है आपको ये हिंदी और संस्कृत जो है आपको कम से कम मैट्रिक तक में या फिर उससे हायर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी कहने का सेंस है कि आपको पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, हिंदी या संस्कृत। इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण, और इसको मैं मानता हूँ कि लास्ट ही इसको कहूँ, महत्वपूर्ण पोस्ट हम लोग के लिए हो सकता है क्या,
तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का अगर कोई सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे जिन्होंने लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स किया है तो भी इस फॉर्म को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है फॉर्म 17 अप्रैल 2020 तक भराने वाला है, ठीक है। वेबसाइट पर जाकर आप पूरा डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। 17 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर जिन्होंने अगर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स किया है। उसका बात अगर हम लोग करते हैं तो 28 पोस्ट निकाला है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, ठीक है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो है आपको पारामेडिकल से रिलेटेड जो भी पारामेडिकल से रिलेटेड या फिर एएनएम हो, जीएनएम हो, फार्मासिस्ट हो, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, सेंट्री इंस्पेक्टर हो, हेल्थ इंस्पेक्टर हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, ठीक है, मलेरिया इंस्पेक्टर हो, इस टाइप का जो पारामेडिकल से रिलेटेड जो वैकेंसी आएगी उसके बारे में मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसमें हम लोग ने जाना कि एक पोस्ट तो हम लोग का इंस्पेक्टर का निकला हुआ है, ठीक है, और एक पोस्ट जो है वो फार्मासिस्ट का था, और तीसरा जो पोस्ट के बात में कर रहा हूँ वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, जो 28 पोस्ट जो है 28 पोस्ट आपके यहाँ से है। और इसमें भी जो है आपका एज जो है 17 साल, मिनिमम जो है 17 ईयर और मैक्सिमम जो है 42 ईयर्स है। और इसमें भी कहता है कि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 1 ईयर डिप्लोमा टेक्नीशियन डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई हरियाणा स्टेट, मतलब 1 साल का डिप्लोमा टेक्नीशियन होना चाहिए। निश्चित रूप से एक आपको अवसर भी एक दे रहा है जो नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने 10+2 किया है और अपना एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि कहाँ हम लोग अगर किस टाइप का मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो है हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लें अगर एडजस्ट अपने आप को करना है, तो उसके लिए एक आपको यहाँ से जानकारी भी मिल गया कि आप जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का या फार्मासिस्ट का कोर्स कर लीजिए तो भी आपका जो है फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। तो इसमें जो है टेक्नीशियन जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन इसमें कहता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन की 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 1 ईयर लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हरियाणा स्टेट, ठीक है। और कहता है मैट्रिक विथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट टेक्नीशियन एजुकेशन बोर्ड से आपका होना चाहिए। साथ ही साथ जो है हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर, मतलब आपका हिंदी या संस्कृत जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड आज का इस सेशन में हम लोग ने जाना एक इंस्पेक्टर का पोस्ट है जो ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन पर आपको अप्लाई करा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लड़ाई इस पर है कि जैसे राजस्थान में जो है सेंट्री इंस्पेक्टर की जगह पर सिंपल ग्रेजुएशन वालों को मौका दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है इसका कहना मुश्किल है, लेकिन इंस्पेक्टर का पोस्ट है, ठीक है, किस टाइप का इंस्पेक्टर है उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो आप अगर हरियाणा स्टेट से हैं या फिर जो इच्छुक है कैंडिडेट वो वेबसाइट पर जाकर पूरा डिटेल देखकर इस फॉर्म को अप्लाई करें, और पारामेडिकल से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएगी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा, जैसे कि लगातार आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो मैं सबसे बोलूँगा कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।